हे गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेस। आज हम लोग 12 जनवरी के करंट अफेयर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये करंट अफेयर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या हो कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया के जकार्ता से 62 लोगों को ले जा रहा कौन सा यात्री विमान समुद्र में क्रैश हो गया है, तो उस यात्री विमान का नाम क्या है? उसका नाम है श्री विजय एयर। ठीक है, श्री विजय एयर जो हाल में ही जो है क्रैश हुआ है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और इंडोनेशिया की मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडाडो। जकार्ता कैपिटल काफ़ी बार एसएससी एग्जाम्स में और रेलवे एग्जाम्स में रिपीट हो गई हैं, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने चेन्नई बंदरगाह पर किस तटीय अनुसंधान वाहन का जलावतरण किया है? यानी चेन्नई बंदरगाह को जो है तटीय सुरक्षा के लिए एक वाहन सौंपा गया, यानी कि एक जहाज सौंपा गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सागर अन्वेषिका। याद रखिएगा कौन सा? सागर अन्वेषिका। चेन्नई बंदरगाह पर इन्हें जलावतरण किया गया और हर्षवर्धन जी के द्वारा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल में ही राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, यानी पांचवा जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से प्रतिकूल निष्कर्षों का अध्ययन करने के लिए एक तकनीक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। तो ये जो समूह का गठन किया गया, इसका जो नेतृत्व है और जो सचिव है किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो गठन का नेतृत्व करने वाले जो सचिव हैं वो नियुक्त किया गया है प्रीति पंत को। किसको? प्रीति पंत को। भारत की सातवीं व्यापार नीति समीक्षा यानी कि ट्रेड पॉलिसी रिव्यू का दूसरा सत्र है वो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में संपन्न हो गया है। WTO का मुख्यालय कहाँ पर आया हुआ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आया हुआ है। कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। और साथ साथ ये जो है NTPC के अंदर हाल में जो एग्ज़ाम्स चल रही है उसमें ये 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थापना 1995 में हुई थी और इसके अंदर टोटल जो मेंबर है 164 है, तो ये भी थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, 164 मेंबर हैं इसके अंदर वर्तमान में। हाल अभी सातवीं जो है TPR यानी कि ट्रेड पॉलिसी रिव्यू का भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो उसका प्रतिनिधित्व हमारे भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है सचिव अनूप वधावन ने। ठीक है, सचिव हम अनूप वधावन ने जो है भारत का जो है सातवीं TPR का प्रतिनिधित्व किया है। NHPC, ठीक है, NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अगले 5 वर्षों में अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी परियोजना की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए किस ऊर्जा एजेंसी के साथ साझेदारी की है? तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के साथ क्या की है? साझेदारी की है। NHPC की जो लिमिटेड है, ठीक है, इसकी स्थापना या इसका गठन कब किया गया था? 1975 में किया गया था और ये भारतीय जल विद्युत उत्पादन एक कंपनी है। एक और ध्यान रखिएगा, NTPC की स्थापना भी जो है 1975 में हुई थी और NTPC का मुख्यालय दिल्ली में है। हाल में ही माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? तो गुजरात राज्य के जो है पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय भाई रूपानी और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आचार्य देवव्रत ये गुजरात के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, जापान सरकार ने भारत को कितने बिलियन जापानी येन, इसका आंसर यहीं पर लिख दिया गया, का विकास सहायता ऋण देने की घोषणा की गई है? तो 30 बिलियन येन यानी लगभग 2113 करोड़ रुपये। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की मुद्रा येन है और जापान की प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, हाल में ही इनको जो है अक्टूबर या नवंबर मंथ के अंदर जापान के प्रधानमंत्री अपॉइंट किए गए थे और इन्होंने ये घोषणा की थी कि जापान जो है 2050 तक कार्बन फ्री हो जाएगा। और ये जो ऋण दिया जा रहा है इसके पीछे का लक्ष्य COVID-19 से उभरने के लिए भारत को जापान सरकार द्वारा ये ऋण दिया जा रहा है। हाल में किस राज्य सरकार ने 9.69 लाख, ठीक है, 9.69 यानी कि 9.69 लाख से भी अधिक कॉलेज छात्रों को प्रतिदिन 2 GB
मुफ्त डेटा देने की शुरुआत की है तो वो है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार 2 GB डाटा देने की शुरुआत कर दी है और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने और साथ साथ डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है पलानी स्वामी। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और राज्यपाल की बात करें तो बनवारीलाल पुरोहित हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये करंट अफेयर बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। गुड बाय, टेक केयर।